सही है बच्चों, हमने अपनी डांस क्लास में अभी तक महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के पार्ट 4 सीख लिए हैं। आज की क्लास में हम इसका अगला पार्ट सीखेंगे। सबसे पहले आपको म्यूजिक पे मैं पूरा डांस एक बार करके दिखाऊंगी और उसके बाद उन्हीं डांस स्टेप्स को हम धीरे धीरे वन बाई वन सीखेंगे। तो चलते हैं, अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पार्ट 5th वो भी पूरा हो गया। आज हम इसमें 4 श्लोक सीख रहे हैं। तो जो 4 श्लोक हम सीख रहे हैं वो इस प्रकार हैं। ऐरण दुर्मद शत्रु वदोदित दुर्धर निर्झर शक्ति भ्रते चतुर विचार दुरीण महाशिव दूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांत मते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। लास्ट 2 श्लोक है। ऐ शरणागत वैरी वधूवर वीर वरा भय दाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधी शिरोधि कृतामल शूल करे दुमिदु मितामर दुंदु भिनाद महु मुखरी कृत तिग्म करे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। अब आपको मैं इसे स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। सबसे पहला श्लोक है हमारा ऐरण दुर्मद शत्रु वदोदित दुर्धर निर्झर शक्ति भ्रते। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने हाथ को सिंपल पटाख मुद्रा में है लेफ्ट से राइट 1 और ये 2 बढ़ेंगे हम लेफ्ट साइड। ओके तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐरण दुर्मद शत्रु वदोदित दुर्धर निर्झर शक्ति व्रते। हमें अपना पैर पीछे उठाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 4 times हमें ये स्टेप लेना है। इसे करने के बाद नेक्स्ट 2 लाइन है चतुर विचार दुरीण महाशिव दूत कृत प्रमथाधिपते। उसके लिए हमने स्टेप लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी 4 times करना है।
two times right side and two times left side. Last two line है हमारे श्लोक की. दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांत मति. इसके लिए हमने स्टेप लिया है 1 2 3 4 5 अलग पद में आ जाएगा 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड क्या किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना करने के बाद जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते. सिंपल म्यूजिक आएगा स्लोली. हमें अपने हाथ ऊपर रखने नमस्कार मुद्रा में. पैर हमारे क्रॉस हो जाएंगे और यहीं से हमें नेक्स्ट श्लोक हमारा शुरू हो जाएगा. जो नेक्स्ट श्लोक है वो है हमारा ऐ शरणागत वैरी वधूवर वीर वराभय दाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधी शिरोधि कृतामल शूल कर. इसके लिए हमें स्टेप लेना है. दोनों हाथों में त्रिपिटक मुद्रा है. राइट साइड हम आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 दो बार, ठीक है ना. केवल दो बार बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 चेंज. उसके बाद है त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधी. इसके लिए स्टेप है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना करने के बाद लास्ट टू लाइन है दुमिदु मितामर दुंदु विनाद महो मुखरीकृत तिग्म करे. जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुती. तो लास्ट लाइन का हमारा स्टेप है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हमारा ये पार्ट फिफ्थ भी पूरा हो गया. इसको फिर से मैं आपको दोनों श्लोकों को एक साथ काउंटिंग के साथ फिर से बताती हूँ. उसके बाद हम इसे एक बार म्यूजिक पे फिर से करेंगे. तो शुरू करते हैं. काउंटिंग के साथ बताऊंगी. जय 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 हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते. 1 2 3 4 5 6 7 चेंज. 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 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 चेंज. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 चेंज.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेंज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेंज 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेंज 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 यहाँ ये हमारे चारों श्लोक पूरे हो गए। अब हम इसको एक बार म्यूजिक के साथ करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। आपको जब भी मौका मिले आप इस वीडियो को देखिएगा और उसे सीखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। साई राम।